नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम महिंद्रा XUV 300 के साथ में होंडा की WRV को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों गाड़ियों में लगभग 1,04,000 रुपीज़ से लेकर 1,97,000 रुपीज़ का प्राइस गैप है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में अगर दोनों गाड़ियों के बारे में आपके जहन में कोई सवाल या डाउट हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग बता दूंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको होंडा की WRV लेनी चाहिए या फिर महिंद्रा की XUV 300। क्या आपको लगता है WRV आपको XUV 300 से ज़्यादा मजबूत और बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप मैंने बताया है, क्या वो आपको मजबूर कर सकता है WRV लेने के लिए? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपके जहन में भी दोनों गाड़ियों को लेकर ऐसे कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस रेंज और सेगमेंट के बारे में। शुरुआत करेंगे सेगमेंट से। तो दोनों ही गाड़ियां सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है दोस्तों 6,70,000 रुपीज़ से लेकर 13 लाख रुपीज़ तक ये चली जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, लेंथ के मामले में दोनों ही गाड़ियां बराबर है, लेकिन महिंद्रा की XUV 300 विड्थ के मामले में 87 mm, हाइट के मामले में 26 mm और व्हील बेस के मामले में लगभग 45 mm ज़्यादा बड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो होंडा की WRV में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 90 PS की पावर जनरेट करता है 6,000 RPM पर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा 4,800 RPM पर। वहीं महिंद्रा की XUV 300 में आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करता है 5,000 RPM पर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा 2,000 से लेकर 3,500 RPM पर। अब बात करते हैं डीजल के बारे में। तो होंडा की WRV में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 100 PS की पावर जनरेट करता है 3,600 RPM पर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा 1,750 RPM पर। वहीं महिंद्रा की XUV 300 में आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो कि 116 PS की पावर जनरेट करता है 3,750 RPM पर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1,500 से लेकर 2,500 RPM पर। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है। तो एक नज़र डालेंगे दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें एक बेसिक अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो जहां तक होंडा WRV का सवाल है, इसका वजन है 1087 किलोग्राम से लेकर 1234 किलोग्राम तक। वहीं महिंद्रा की XUV 300 का वजन है 1307 किलोग्राम से लेकर 1404 किलोग्राम तक। यहां पर गौर करने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि महिंद्रा XUV 300 का NCAP क्रैश टेस्ट हो चुका है और ये इंडिया का सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली 5-स्टार सेफ्टी रेटेड कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस पर एक नज़र डालते हैं। तो जहां पर होंडा की WRV में आपको 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं महिंद्रा की XUV 300 में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। टर्निंग रेडियस की जहां तक बात है दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर होंडा की WRV में आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है, वहीं महिंद्रा की XUV 300 में आपको 42 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। और हमेशा की तरह लगे हाथों तो दोनों ही गाड़ियों के माइलेज पर भी बात कर लेते हैं। तो महिंद्रा की XUV 300 में आपको 17 KMPL से लेकर 20 KMPL तक का कंबाइन माइलेज मिल जाता है, वहीं होंडा की WRV में आपको 16.5 KMPL से लेकर
23.7 kmpl तक का कंबाइन माइलेज ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में, तो जहां पर होंडा की WRV में इस सेगमेंट का सबसे ज्यादा यानी कि अप्रोक्सीमेटली 363 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, वहीं महिंद्रा की XUV300 में सेगमेंट का लोवेस्ट 257 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात करते हैं, तो होंडा की WRV में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, वहीं महिंद्रा की XUV300 में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, LED DRLs आपको देखने को मिल जाएंगी, LED टेल लैंप्स आपको ऑफर किए जाते हैं, फ्रंट फॉग लैंप्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। होंडा की WRV में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, वहीं महिंद्रा की XUV300 में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियां आपको रूफ रेल्स ऑफर कर देती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है, रियर स्पॉयलर आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियां आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटोफोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स ऑफर करती हैं, और दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी। दोनों ही गाड़ियों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगा, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर आपको देखने को मिल जाता है, टिल्ट पावर स्टीयरिंग का फीचर भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद गियर नॉब देखने को मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, साथ में सभी बेसिक फीचर्स मिलेंगे जैसे कि AM/FM USB ऑक्सिन ब्लूटूथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार कनेक्टिविटी के फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट इस दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर व्यू पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर वाइपर एंड वॉशर, कनेक्टेड कार फीचर्स, मिनिमम ड्यूअल एयरबैग प्लस ABS एंड EBD जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं होंडा की WRV में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको महिंद्रा की XUV300 में नहीं मिलेंगे। बहुत छोटी लिस्ट है, कुल मिलाकर 5 फीचर है। सबसे पहला फीचर है, इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग मिल जाएगी, शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा, डे नाइट IRVM मिल जाता है, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए किसी भी तरीके से आपको बटन्स नहीं मिलते, एक टच बेस्ड कंट्रोल पैनल मिलता है, लेकिन जिसे ऑपरेट करना वाइल्ड ड्राइविंग बहुत ही दिक्कत भरा काम है, और ये चीज़ हम पुरानी वाली होंडा सिटी में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज मल्टीपल व्यू रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें 3 मोड मिलते हैं, एक है नॉर्मल, एक है वाइड और तीसरा है टॉप डाउन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं महिंद्रा की XUV300 में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको होंडा की WRV में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, तो इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प का फीचर देखने को मिल जाता है, ड्यूअल जोन फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर देखने को मिल जाएगा, रेन सेंसिंग वाइपर्स देखने को मिल जाएंगे, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी मिल जाती है, माइक्रो हाइब्रिड यानी कि आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, उसके साथ साथ आपको टायर पोजीशन डिस्प्ले मिल जाता है, टायर ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाते हैं, ऑटो डिमिंग IRVM का फीचर भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, रोल ओवर मिटिगेशन का फीचर मिलेगा, हिल होल्ड असिस्ट आपको देखने को मिल जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल देखने को मिल जाता है, चारों के चारों आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच आपको देखने को मिल जाएगा, हीटेड ORVMs देखने को मिल जाते हैं, और सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट 7 एयरबैग्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की वारंटी ऑफर के बारे में, तो होंडा की WRV में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी ऑफर की जाती है, वहीं महिंद्रा की XUV300 में 2 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी ऑफर की जाती है। अब थोड़ी सी मेंटेनेंस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर XUV300 के मुकाबले में WRV का मेंटेनेंस थोड़ा सस्ता है, ये बेहतर वारंटी पैकेज के साथ में आती है, और आप सबको मालूम है कि होंडा का मेंटेनेंस और आफ्टर सेल सर्विस महिंद्रा के मेंटेनेंस और आफ्टर सेल सर्विस से कहीं ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जो कि है प्राइसिंग। लेकिन प्राइस रिवील करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूं वो प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट होती हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से ली जाती हैं, तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए हमेशा
आपको अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। WRV के जो पेट्रोल टॉप वेरिएंट है VX मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 9,86,929 रुपीस का मिल जाता है। वहीं महिंद्रा की XUV300 का जो पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट है W8 ऑप्शनल, ये आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मैनुअल में मिलेगा 11,84,000 रुपीस का, जो कि होंडा की WRV से 1,97,071 रुपीस महंगा आता है। अब बात कर लेते हैं डीजल के बारे में, तो होंडा WRV का जो डीजल VX टॉप एंड वेरिएंट है मैनुअल में आपको मिलेगा 11,09,069 रुपीस का। वहीं महिंद्रा की XUV300 का डीजल टॉप एंड वेरिएंट जो है W8 ऑप्शनल मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 12,14,000 रुपए का, जो कि WRV से लगभग 1,04,931 रुपए महंगा आता है। अब एक नजर डालते हैं दोस्तों कंपटीशन पर, तो इन दोनों गाड़ियों के अलावा आपको फोर्ड की इको स्पोर्ट्स, हुंडई की वेन्यू, मारुति की ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियां इस सेगमेंट में देखने को मिल जाती है, और कुछ हद तक हुंडई की क्रेटा और किया की सेल्टोस भी एक अच्छा खासा कंपटीशन ऑफर कर देती हैं। अब एक नजर डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स पर, शुरुआत करेंगे होंडा की WRV से। तो फिलहाल इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी के जो भी वेरियंट्स है वो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी बेहतरीन टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स नहीं मिलते, उसके बावजूद भी एक प्रीमियम प्राइस आप इस गाड़ी के लिए पे करते हो। अब बात करेंगे महिंद्रा की XUV300 में, तो मेरे हिसाब से इसके भी जो टॉप एंड वेरिएंट है वो थोड़े से ओवर प्राइस है, उसकी प्राइसिंग थोड़ी कम होनी चाहिए थी। इस गाड़ी का इंटीरियर फिट एंड फिनिश की क्वालिटी कुड हैव बीन मच बेटर। इस गाड़ी में आपको एवरेज केबिन स्पेस मिलता है और NVH के लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ में इसका जो बूट स्पेस है वो सेगमेंट का सबसे लोवेस्ट बूट स्पेस आपको मिलता है। अब मुड़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के आखिरी पड़ाव की ओर और बात कर लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में, तो मेरे हिसाब से महंगी होने के बावजूद भी महिंद्रा की XUV300 यहाँ पर क्लियर विनर साबित होती है, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ में आती है, बेहतर राइड एंड हैंडलिंग ऑफर करती है, बेहतर कंफर्ट ऑफर करती है, बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है, बेहतर टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करती है, बेहतर इंजन परफॉर्मेंस एंड पावर आउटपुट ऑफर करती है, साथ ही साथ में आपको 7 एयरबैग्स के साथ आती है, और ये गाड़ी NCAP क्रैश टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली 5-स्टार सेफ्टी रेटेड कार है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये क्रेडिट जाता है XUV300 को, जो कि यहाँ पर मेरी राय में क्लियर विनर साबित होती है। मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरी राय में अपने लिए मैं हर हाल में महिंद्रा की XUV300 लेना पसंद करूँगा। अब ये आपको तय करना है कि अपने लिए आप महिंद्रा की XUV300 लेना चाहते हैं या फिर होंडा की WRV, क्योंकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से और प्रायोरिटी के हिसाब से कौन से फीचर्स और किन चीज़ों को आप तवज्जो देते हैं यह आपको तय करना है। आपकी राय में आपको क्या लगता है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में दोनों में से कौन सी गाड़ी जीती है, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।